नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आबू रोड के गांधीनगर इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं लगातार आ रही पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता हेमंत गोयल और रूडीप के कनिष्ठ अभियंता सुनील विश्नोई को अवगत करवाया गया है, जिसके बाद अधिशासी अभियंता और कनिष्ठ अभियंता ने आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्या का निवारण किया जाएगा। बारा जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के देवरी कस्बे में एक मकान में विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि हादसे में डॉक्टर एमएल धाकड़ की मौत हो गई। वहीं धाकड़ की पत्नी और एक किरायेदार महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। धौलपुर जिले में इन दिनों गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तेज गर्मी के चलते लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर दिखे। शहर के बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लू के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी अचानक से बढ़ गई है। जिला मुख्यालय पर सामान्य चिकित्सालय के वार्ड मरीजों की बढ़ती संख्या से ओवरलोड हो चुके हैं। टोडा भीम में निरोगी राजस्थान ब्लैक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में सभी ब्लॉक के डॉक्टर, कंपाउंडर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उप जिला उपखंड अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि भीषण गर्मी में ग्रामीण इलाकों से आ रहे मरीजों के लिए पीने के पानी और कूलर की भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मेले में दिन भर मरीजों की भीड़ रही। धौलपुर के पटपरा निवासी एक लड़की ने डॉक्टर पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि वह पेट दर्द की वजह से महिला मेडिकल वार्ड में भर्ती हुई थी, उसकी सोनोग्राफी होनी थी। लड़की ने बताया कि महिला डॉक्टर आशा जिंदल ने मुझसे कपड़े ऊपर करने को कहा, लेकिन मैंने वहां मौजूद पुरुष गार्ड को बाहर भेजने को कहा तो डॉक्टर ने मुझे ही डांट कर बाहर जाने के लिए कह दिया। लड़की ने बताया कि इसके बाद वह बेहोश हो गई। मैं ना अंदर गई थी, इसमें ना मैंने जांच कराने के लिए, तो मैडम ने ना कहा कि कपड़े उठाओ, तो वो कह रहा था कंपाउंडर के मगल जो रहता था चपरासी था, तो वो कहने लगा कि कपड़े हटा। मैंने कहा आप हट जाओ, मैं कपड़े हटा लूँ। तो उन्होंने हटाने, वो हटाई नहीं, बाहर ही नहीं निकला था। ये है मामला, अब आया तो मैंने कहा आप बाहर निकल जाओ तो मैं कपड़े हटा लूँ। तो वो मैडम चिल्ला के पड़ी कि वो नहीं बाहर निकलेगा, वो तो कहना हमारा स्टाफ है। मैंने स्टाफ है तो फिर मैं नहीं करा। फिर उसने मैडम ने नहीं कह दिया कि आप जाओ, मैं नहीं कर रही आपकी। मैडम ने भगा दिया मुझे, मैं भाग गया ही बाहर। मैंने आप कितने बजे डॉक्टर जिससे हॉस्पिटल में काम पर सोनोग्राफी करती हूँ, कल 10 बजे के करीब अभी सलमा नाम की मरीज आई थी और स्टाफ अपने रिपोर्ट की एंट्री कर रहा था, जो उससे पहले की पेशेंट होती। मैंने उसको दो बार स्टाफ ने बोला कपड़े उठाने को, चार बार मैंने बोल दिया कपड़े उठाने को, कपड़े उठा लीजिए। तो उन्होंने कपड़े नहीं आता, इसी बीच गार्ड अंदर आया था पुराना और पेशेंट जो पर्ची लेके, और गार्ड का काम है कि कोई मरीज आते हैं दो तीन पर्ची इकट्ठे हो जाते हैं, उनको अंदर लेके आते हैं और रिपोर्ट जो हो जाती है उनको लेके जाता है। तो वो पर्दे के दर ही खड़े हुए थे गार्ड, उन्होंने बोला कि ये ना इनको अब बाहर हटाओ। मैं कि यहाँ का स्टाफ है अपना काम कर रहा है, आप अपने हटाइए, फटाफट कर दीजिए, बहुत ही भीड़ हो रही है पेशेंटों की। तो उन्होंने कपड़े उठाने से मना कर दिया और नाराज हो गई। 17/4/2022 को सुबह 10:30 बजे बच्ची सलमा अपना सोनोग्राफी कराने आई थी। सोनोग्राफी में पदस्थ महिला चिकित्सक जो सोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आशा जिंदल, साथ में उनके असिस्टेंट हैं दिव्या गर्ग ने सोनोग्राफी करने के लिए, चूंकि सोनोग्राफी करने वाले पार्ट के जो वस्त्र हैं उनको समायोजित करने के लिए मरीज को कहा जाता है, उस समायोजन के लिए करने में महिला चिकित्सक और इसमें मरीज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। इस तरह की कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई कि मेल ने कहा था किसने कहा, ऐसी घटना यहाँ पे नहीं हुई है। चूंकि सिरोही में जोधपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ द्वारा जिला मुख्यालय सिरोही पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन वृत्त अध्यक्ष तलसाराम मीणा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्रबंधक जोधपुर को ज्ञापन दिया। दौसा में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति समय पर वेरीफाई नहीं करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि छात्रों के अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर जल्द ही पोर्टल पुनः खुलवाने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी गई। रियाबड़ी पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग से म्यूटेशन, भूमि आवंटन, पंचायती राज विभाग में वर्तमान में चल रहे
कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बिजली पानी आदि से संबंधित समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक कैंटीन संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने लोहे के सरियों से मारकर कैंटीन संचालक के साथ हाथ पैर तोड़ दिए। इसके बाद उसे मरा हुआ समझकर उसका मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल, मेरे भैया का नाम राकेश बंसल। भोला डेयरी के पास 9:15 पर यह हादसा हुआ था। जब ये दुकान से आ रहे थे, आने के बाद बाइक चालकों ने रोका इनको। रोकने के बाद वारदात की, पैसा लुटा कम से 10,000 रुपये और इनका कम से कम मोबाइल भी ले गए और हाथापाई भी की इनके साथ और सरियों से इनके हाथ और पैर और पसली भी तोड़ दी। यह दुर्घटना 9:30 के आसपास की। हाँ सर, सदर थाना इलाके में रिको एरिया में श्री चंद्रपुगा जी कैंटीन का कार्य करते हैं, कैंटीन चलाते हैं। उनके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की है और मोबाइल छीना, पर्स आदि ले जाने की घटना चंद्रपुगा जी ने बताई। पुलिस तत्परता से श्रीमान सीआई साहब, एसएचओ साहब मौके पर पहुंचे और एडमिट कराया। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। अभी कुछ बदमाशों को चिन्हित किया है, प्रयास किए जा रहे हैं कि चिन्हित कर उन्हें पकड़ा जाए। चिन्हित किए हैं, उसको पकड़े जा रहे हैं। डीग कस्बे के वार्ड नंबर 22 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर पार्षद राहुल लवानिया के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता विजय सिंह को ज्ञापन सौंपा। लवानिया ने बताया कि पिछले 2 महीने से दोनों वार्डों में पेयजल सप्लाई बाधित होने के चलते वार्डवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। उसमें यह क्या जो मिलान वाली बात बताई गई है, जो मिलान रह रहा है उसे हम 10-15 दिन बाद हमारी ये पाइपलाइन का काम होना है, उसमें हमारी जेसीबी आएगी और उसमें हम उस मिलान को करवा देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।